कारण बस इसलिए उनकी तरफ से मिठाई लेके हम आप लोगों के लिए आए हुए हैं। और वो बता भी रही थी बहुत ही अच्छी कोचिंग है मैम के निर्देशन में, आप सब लोग क्या हम भी अच्छे से पढ़ाई करें और इस बार हम लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए और हम लोग भी मिठाई लेकर के आए और सबको आप लोगों को पता है कि ये नीरज की बुआ है, नीरज यहाँ पर पढ़ती थी और नीरज का सिलेक्शन इलाहाबाद में ही हो चुका है, ठीक है। और ये नीरज की बुआ है, ये भी होम साइंस की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, और इनकी भी पढ़ाई चल रही है यहाँ पर। मैं ये चाहता हूँ जैसे नीरज की मिठाई आई है ऐसे सभी छात्रों की मिठाई हमेशा आती है, नहीं सबका रहे, आप सारे छात्र एक एक दिन जो है ऐसे सेलेक्ट हो जाइए और मिठाई लेके यहाँ पर हमेशा आते रहिए, ठीक है। स्वास्थ्य खाइए और सफर भी ग्रहण करिए। हाँ, मिठाई खाने का मेन टारगेट यही है कि मिठाई खाए और मिठाई लेके आए और पूरे घर में इसी तरह का माहौल लाए कि हमसे क्या है, इसे देखकर मुझे एक सीख लेनी चाहिए कि ये कितने हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ आए दिन ना मिठाई आ रही है वन करके सिलेक्शन तो इतना ज्यादा हुआ है जिसे हम कभी कभार काउंट करने में भी भूल जाते हैं। तो ये लगता है कि ऐसे आप लोगों का भी सिलेक्शन हो और मिठाई की भी लाइन लगी रहे और हर परिवार में क्या है इसी तरह का खुशहाली का माहौल बदलता रहे और बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और आप लोग मिठाई मिलती रहेगी, ठीक है, अभी और लोगों का ये क्रम चलता रहेगा, बहुत ढेर सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, जैसे 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 मौका लोग पाते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक है। कुसुम मैम नीरज की मिठाई खा रही हैं और बहुत मीठी है, इस मिठाई देखिए दो चीज है इसलिए मिठास ज्यादा है, एक तो खुशहाली है दूसरा सिलेक्शन है, ठीक है, दो खुशियां एक साथ है इस मिठाई में तो इसीलिए मिठाई ज्यादा मीठी है, ठीक है, जल्दी मिलेगी। चलिए ठीक है बंटवा दीजिए, ठीक है।